जाने माने फिल्म निर्माता साजिद खान के लिए वैसे तो आज का दिन खुशी का दिन होता, लेकिन हाल ही में लगे यौन शोषण के आरोप के बाद उनके लिए उनका 48th बर्थडे इतना खुशी का मौका नहीं है। आपको बता दें, साजिद ने अब तक कई हिट फिल्में बनाई हैं, जिसमें डरना जरूरी है, हे बेबी, हाउसफुल, हाउसफुल 2, हिम्मत वाला, हैप्पी न्यू ईयर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। पिछले दिनों साजिद खान मीटू कैंपेन की वजह से सुर्खियों में आए थे। साजिद पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों की वजह से साजिद को फिल्म हाउसफुल 4 से भी बाहर कर दिया गया था। साजिद ने बॉलीवुड में फिल्म डरना जरूरी है की शॉर्ट फिल्म के साथ बतौर निर्देशक अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म निर्देशन के अलावा साजिद ने कई फिल्मों में कैमियो भी किए हैं, जिनमें हैप्पी न्यू ईयर, मैं हूं ना, मुझसे शादी करेगी जैसी फिल्में शामिल हैं। मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान के भाई साजिद खान ने कई टीवी शो भी होस्ट किए हैं। जब साजिद खान मीटू के आरोपों से घिरे थे तो उस वक्त उनकी बहन फराह खान ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। आपको बता दें, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि 48 साल के साजिद का अफेयर एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से भी था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका रह चुकी जैकलिन को फिल्मों में बड़ा ब्रेक साजिद ने दिया था। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स।